Hey you guys, welcome to Books Amaze. My name is Avni. 2022 is just right around the corner and this is the time to talk about some New Year's resolutions. Shall we? तो न्यू ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं बट बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं और जितने सारे रेजोल्यूशन हमने बनाए होते हैं उसमें से दो चार ही पूरे कर पाते हैं और फिर बाय द एंड ऑफ जून जुलाई हम अपने आप को गिल्टी ठहराने लगते हैं फॉर नॉट कम्प्लीटिंग ऑल दोज रेजोल्यूशंस एंड देन हम उन सारे नेगेटिव स्पाइरल्स में चलते चले जाते हैं। यदि ये सब आपके साथ भी होता है तो मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है. मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, रिसर्च करी है एंड आई हैव कम अप विद अ सोल्यूशन ऑन हाउ वी कैन मेक इफेक्टिव न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड हाउ वी कैन इफेक्टिवली कम्प्लीट देम एज वेल. सो लेट्स टॉक अबाउट फाइव सच थिंग्स दैट वी नीड टू डू बिफोर मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. नंबर वन, स्टार्ट अर्ली. एक सबसे बड़ी गलत चीज़ हम जो करते हैं वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तब बनाते हैं जब 1 जनवरी ऑलरेडी आ जाता है. हमें लगता है कि एक बड़ी ही ट्रेडिशनल सी चीज़ है या इसे हम न्यू ईयर्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक आदत ही तो है. हमें एक आदत बनानी है, एक अच्छी आदत बनानी है. सो वाई टू वेट फॉर 1 जनवरी? वाई नॉट डू इट अ लिटिल बिट अर्ली? क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा किसी भी आदत को पूरा होने में 21 दिन लगते हैं. भले ही 21 दिन ना भी लगे तो भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है किसी एक चीज़ की हमें आदत बनने में. तो उसे जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना अच्छा होगा. तो ये जो टाइम है 25-26 दिसंबर का, आई वुड से तभी से ही जो चीज़ आप करना चाहते हो उसे करना शुरू कर दो ताकि उसका एक मोमेंटम सा बन जाए और आप 1 जनवरी के लिए बैठे मत रहो. जो भी चीज़ आपको करनी है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, जो भी करना है, जस्ट स्टार्ट योर मोमेंटम फ्रॉम राइट हियर राइट नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 1 जनवरी. नंबर टू, कंपार्टमेंटलाइज एंड प्रायोरिटाइज. बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है. मेजरली हम 3 कैटेगरीज में ही अपने जो गोल्स हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं वो बनाते हैं. वन इज़ हेल्थ, वन इज़ पर्सनल एंड वन इज़ प्रोफेशनल. आई थिंक इन तीनों में सम अप किया जा सकता है जितने भी आपके सारे गोल्स होंगे. सो मेक 3 कॉलम्स, हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल. उनके अंदर अपने अपने गोल्स लिखिए. जितने भी गोल्स आप सोच सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको करनी है, एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर लिख डालिए. बिल्कुल जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो पूरा पेज भर दो. उसके बाद प्रायोरिटाइज करो कि हेल्थ में आपने मान लीजिए 10 चीज़ें लिखी है, उसमें से अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है. If you are having a disease, maybe your goal should be to try to cure it. If you are working on something like a physical fitness goal, if you are about to do a marathon, तो आपको उसके हिसाब से goal बनाने पड़ेंगे. Again, for personal and professional ones, कोई event यदि आपकी life में होने वाला है, if you are waiting for something big to happen, तो उसके हिसाब से आपको अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी. So main thing is to compartmentalize and prioritize. Number 3, मेक सिस्टम्स नॉट गोल्स. यदि आप सब लोगों ने एटॉमिक हैबिट्स किताब पढ़ी है तो उसमें ये चीज़ मेंशन है कि कभी भी गोल्स के पीछे मत भागो, इंस्टेड सिस्टम्स बनाओ, तो आपके गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे. इफ़ यू हैवन्ट रेड दैट बुक, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड इट. इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. सो इस बुक के ऑथर का ये कहना है कि जब भी हम गोल्स बनाने जाते हैं तो हम उसको पूरा करने में इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि आप उसे पूरा करेंगे. उसके बजाय यदि आप सिस्टम बना लेंगे, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से यदि आप सिस्टम बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अबाउट टू डू अ मैराथन इन 3 मंथ्स, तो उसके हिसाब से आप अपना एक सिस्टम बनाओ कि मुझे रोज उठना है, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक जाके रनिंग करनी है. एंड जस्ट मेक इट अ हैबिट, उसे करते ही जाओ. जब वो आपके एक सिस्टम में इंक्लूडेड होगा तो आपको उसकी आदत होती जाएगी. तो शॉर्ट शॉर्ट स्प्रिंट्स से शुरू करके आप उसे बढ़ाकर लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं. तो अपने गोल्स को एक गोल की तरह देख के कि मैं आज सुबह भाग लिया, कल शाम को भाग लूँगा, ऐसे मत चलो. एक सिस्टम बनाओ ताकि उसके साथ आप दूसरी हैबिट्स को भी स्टैक कर सको इफ़ नीडेड. अदरवाइज सिस्टम्स ऑलवेज वर्क, गोल्स डजंट. नंबर 4, रीअसेस योर सिस्टम्स. अब सिस्टम्स तो आपने बना लिए लेकिन उन्हें रीअसेस करना भी ज़रूरी है. तो मे बी अपने लिए एक क्वार्टरली, मंथली या वीकली एक स्प्रेडशीट बनाकर रखो, एक कोई भी एक्सेल में या इवन ऑन पेन और पेपर एक अपने लिए एक ट्रैकर बनाकर रखो कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं इन अ डेली बेसिस. जैसे मान लीजिए आपको रोज़ 2 घंटे के लिए रनिंग करना है फॉर अ मैराथन, इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन, तो एक लॉग आपका बना होना चाहिए जिसमें आप रोज़ एक टिक मार्क कर सको कि आज मैंने 1 घंटा रनिंग करी, आज मैंने
वेट लिफ्टिंग करी और वॉट एवर. सो इफ़ यू वोंट हैव अ सिस्टम टू ट्रैक योर प्रोग्रेस यू आर वेरी लाइकली टू फेल. तो रीअसेस करना अपने सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड नंबर फिफ्थ टिप इज़ वेरी सिंपल, इट्स नॉट टू मेक टू मैनी रेजोल्यूशंस. ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट वी मेक टू मैनी गोल्स. ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत सारे गोल्स बना लिए एक ही साथ और फिर as I said, by the end of 3 or 4 months, I failed to complete them and I felt so guilty that I just went into a downward spiral of negative thoughts and self-negative talk, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे हमें बिल्कुल बचना है. तो बहुत सारे resolutions मत बनाइए, as I said, prioritize करिए और बस 2-3 चीज़ें रखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और जब आपको एक बार उसका momentum बन जाएगा, 3-4 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आप उनके साथ दूसरी habits को stack कर सकते हैं. कि आप 2 घंटे मान लीजिए भागते हैं, आप बहुत easily भाग पाते हैं, तो आप उसी के साथ उसके जस्ट बाद कोई एक और आदत जोड़ सकते हैं. कि आपको रीडिंग की हैबिट डालना है तो या तो आप उसके पहले डाल लीजिए या उसके बाद डाल लीजिए, क्योंकि आपके पास एक टाइम फ्रेम ऑलरेडी है जिसमें आप वो काम करने के लिए आदि हो चुके हैं, तो आपके लिए उसके साथ दूसरा टास्क जोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा. सो या दीज वर माई 5 टिप्स टू मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक देम एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट आर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. सो या आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Keep reading and keep smiling.